राष्ट्रीय कार्यशालायाः प्रथम दिवसे अद्य अस्माकं मध्याह्नोत्तरं प्रथमं सत्रमस्ति। अत्र अहम् अस्माकं अद्यतन मार्गदर्शक महोदयस्य श्रीमतः प्रोफेसर एस के पुलिस्त महोदयस्य पौनः पुन्येन पुनः एकवारं स्वागतं कुर्मः। स्वागतं कुर्मः भवतां समीक्षाम् अस्मिन् सत्रे। महोदयस्य मार्गदर्शनेन पूर्व सत्रे अस्माभिः सर्वं ज्ञातमेव। इदानीं ते अन्तर्जालीय विधानां विषये अस्माकं उद्बोधनं कुर्वन्तु इति सविनयं प्रार्थये। महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों का इंटरनेटीय विधा के संदर्भ में और हम कैसे अपने शिक्षण कौशल को वर्धित कर सकें, ऑनलाइन शिक्षण कैसे करा सकें, इन विधियों से अवगत कराएं प्रोफेसर डॉक्टर एस के पुलिस्त महोदय। दोबारा से नमस्कार और आपका दूसरे सेशन में स्वागत है। इस सेशन में भी हम जो पीछे की जो हमारी कार्रवाई थी एडमोडो सीखने की, उसी को जारी रखेंगे। और अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे भी रहा होगा, तो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए अगर आपको स्क्रीन नजर आ रहा है तो। यस सर, विजिबल। जी राइट। तो अभी ये हमारा स्क्रीन था जिस स्क्रीन को हमने छोड़ा था, और जो आखिरी हमारी एक्टिविटी थी वो हमने एक असाइनमेंट बनाया था और अपने क्लास के स्टूडेंट्स को उसके साथ शेयर किया था, उसको असाइन किया था। और उसमें हमने जो लास्ट डेट दी थी वो 30 जून दी थी, और 30 जून के बाद हमने उसको लॉक किया था। तो हमने देखा था कि ये जो हमारी पोस्ट थी जो असाइनमेंट की, ये हमारी इसके ऊपर आ गई थी। तो आप इसको शायद देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, FDP सेकेंड सेशन फर्स्ट असाइनमेंट। ये हमने इसमें एक डॉक्यूमेंट अटैच किया था PDF फॉर्मेट का, जो कि हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं? यस सर। राइट। तो अभी हम एक और छोटी सी चीज इसमें ऐड करेंगे, यानी हम अब एक पोस्ट करेंगे इसमें कि अपना वो जो है ये क्विज बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरा होम स्क्रीन है, टीचर का होम स्क्रीन है। अभी जो हमें कार्रवाई करनी है, जो हमें चीजें असाइन करनी है या क्विज हमें बनाना है और उसको असाइन करना है, वो पर्टिकुलर एक क्लास के लिए असाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्लास में चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि माई क्लासेस, आपको ये आइकन नजर आ रहा होगा इसका। तो इस आइकन में से जब नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास दो क्लासेस नजर आ रही है। एक क्लास पहले की क्रिएटेड है, एक ये जो अभी हमने सेशन के अंदर जो क्रिएट की थी वो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है ये अपनी इसी क्लास का आ गया है, और इसके अंदर अब हम जो चीजें क्रिएट करना चाहेंगे या स्टूडेंट्स को असाइन करना चाहेंगे वो हम यहाँ से कार्रवाई करेंगे। तो इससे पहले एक चीज और जो मैं पहले बताना शायद भूल गया, तो वो ये है कि इसके अंदर आप पोल भी कंडक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट का, बगैर किसी क्विज के, बगैर किसी असाइनमेंट दिए। अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि किसको समझ आया किसको नहीं समझ आया, या कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अपने सेशन के लेक्चर के बीच में अगर पूछना चाह रहे हैं, जैसे आप क्लास के अंदर किसी से पूछते हैं और हैंड रेज करवाते हैं कि किसको पता है किसको नहीं पता है, या वो सही जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो उस तरीके की सुविधा इसमें पोल के जरिए है, आप पोल कर सकते हैं। या किसी चीज के अंदर आपको ओपिनियन लेना है कि भाई कल हम छुट्टी के दिन क्लास करना चाहेंगे कोई एक 11 से 12 बजे तक की, तो कौन कौन लोग एग्री कर रहे हैं, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो इस तरीके का पोल हम जो एक ओपिनियन मेजोरिटी में सारे बच्चों से वो ले सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोल। तो अब पोल के लिए जो हमारा ये डिस्कशन वाला है इस क्लिक के हम क्लिक करेंगे, और इसकी चीज ये है कि ये पोल है इसलिए सिर्फ ओपिनियन हम गैदर करेंगे, एक किसी खास एक्टिविटी पे, किसी खास प्रोग्राम पे, किसी खास बातचीत पे, कॉन्सेप्ट पे, और इसकी मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि इसकी मार्किंग नहीं होगी तो इसलिए ये हमारी ग्रेड शीट में भी नहीं जाएगा, और इसको हम अपनी कोई जो असेसमेंट टूल है उस तरीके से भी ट्रीट नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने जो हमारा नॉर्मल एक हमें स्पेस जो मिला हुआ है,
जिसके जरिए हम अपना वो पोस्ट करना है, मतलब पोस्ट करते हैं, उसी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाती है। नई विंडो के अंदर अभी आप देखेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम का नाम है, और इस प्रोग्राम के अंदर हमें अगर पढ़ाते पढ़ाते या कोई किसी चीज के ऊपर स्टूडेंट का ओपिनियन अगर हमें लेना है तो हम यहाँ पे ओपिनियन को क्रिएट करेंगे। और जब हम ओपिनियन क्रिएट करते हैं तो हम साथ में देखते हैं कि एक वेलनेस चेक भी है, ये भी एक प्रकार का ओपिनियन है। अब जैसे टीचर मॉर्निंग में क्लास में जाता है और अपने स्टूडेंट से पूछता है, बच्चों कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, आपका जोश कैसा है, तो ये वो एक पर्सनल टच देने के लिए हमारे जो इंटरेक्शन को, क्योंकि सारे लोग आपको पता है बहुत दूर दूर बैठे हैं, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा और पर्सनल टच देने के लिए ये एक वेलनेस चेक है। ये बेसिकली पोल ही है, इसमें आपको स्टैंडर्डाइज आंसर्स मिलेंगे। तो अब एक बार वेलनेस चेक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर आप देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। अब जब आप पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बच्चे कैसे हो, तो जब बच्चे कैसे हो तो उसके पोल के लिए इन्होंने स्टैंडर्डाइज चार क्वेश्चन हमें बनाए हैं, आई एम ग्रेट, आई एम ओके, आई एम मैं ऐसे ही है ठीक है, एंड आई एम स्ट्रगलिंग, मैं काफी परेशान हूँ। तो ये ओपिनियन पोल आप जो है वो बच्चों की तरफ से फीडबैक होगा कि आज क्लास में इनका जोश कैसा है बच्चों का, तो वो एक ओपिनियन आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम इसको अगर देना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे बच्चों को कि बच्चे आप कैसे हैं, तो आप देखेंगे कि ये हो गया है और ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि ये वेलनेस पूछने के लिए बच्चों के साथ एक चेकिंग का एक तरीका है कि बच्चे कैसे हैं मॉर्निंग में, या बच्चों को विश किया है तो उनसे हालचाल पूछने की बात है, तो ये ऑलरेडी इन्होंने एक क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसकी है, और इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं जिसमें कि बच्चे टिक करके अपना ओपिनियन बताएंगे, और उसके बाद नीचे हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नीचे बाकी और कोई चीज इसमें नहीं है, आप सिर्फ आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट को, आप किस टाइम ये बच्चों से पूछना चाहेंगे, आपका एक सेशन हो गया है, दूसरा सेशन आपने स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे इस पोल को शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों का हालचाल जान लें कि आज उनका पढ़ने का मूड है भी कि नहीं, कहीं जबरदस्ती तो नहीं है, तो वो चीज आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये जो वेलनेस चेक है ये हम इसको पोस्ट करते हैं, ये इसको वेलनेस चेक को हमने पोस्ट कर दिया। अब दूसरी बात जो है जो हम करेंगे उसी सेम हम बार को क्लिक करेंगे जहां से हम अपना पोस्ट करते हैं कोई भी चीज, या डिस्कशन थ्रेड को हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें फिर जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे हम इस बार क्रिएट पोल करेंगे, और क्रिएट पोल जब हम करते हैं तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब क्रिएट पोल के लिए ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ एक ओपिनियन गैदर करना है, तो हम इसमें कोई भी ये चीज होगी कि भाई टुमारो, मैं पूछना चाहता हूँ कि कल ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको स्टार्ट करें कि नहीं करें, ये मुझे ये पूछना है। मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि कल क्या हम अपने योगा की पहली क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें ये हम करते हैं यस, और सेकंड में करते हैं मे बी, मैंने किया इसको मे बी, और थर्ड में करना है हमें नो, इसको मैंने बच्चों के लिए एक पोल क्रिएट किया, और मैं बच्चों को यह क्रिएट पोस्ट कर सकता हूँ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे इसको भी हम शेड्यूल कर सकते हैं, तो इसको हम अभी पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्ट करने के लिए मैंने इसको ये पोस्ट कर दिया। अब आप देखिए ये पोस्ट हमारा हो गया है, और जो हमारा पोस्ट जो है, हेलो हेलो जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहीं आवाज आ रही थी शायद, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो ओपिनियन पोल था वो इसमें ऑलरेडी पोस्ट हो गया है, तो जो जो स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ कनेक्टेड होंगे उनके पास ये सारी चीजें चली जाएंगी, और उनको एक आइकन मिलेगा कि इसमें वो अपना ओपिनियन उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि स्टूडेंट मॉड्यूल हमें खोलना है, उससे पहले हम एक चीज और, एक छोटी सी क्विज भी इसमें हम डाल देते हैं। तो क्विज डालने के लिए हमें वही है, ये जो ब्लू सर्कल है इसमें से जो व्हाइट जमा का निशान है जो
प्लस का निशान है, इसको हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगेन वही जैसे हम पहले बातचीत कर रहे थे इसमें कि चार आइकन हमारे पास आ रहे हैं, तो हम इस बार एक नई क्विज क्रिएट करेंगे। पिछली बार हमने एक असाइनमेंट क्रिएट किया था, तो इस बार हम एक नई क्विज क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें जैसे मैंने क्लिक किया क्विज का, तो ये हमारे क्विज का फॉर्मेट आ गया, जिसमें आप देखेंगे कि दो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे जो मेरा क्रशर है वहां पे दो चीजें आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ या राइट। तो इसमें आप देखेंगे पहले क्विज की डिटेल्स हैं, अब डिटेल्स में क्या है, क्विज का टाइटल क्या रहेगा और क्विज की डिस्क्रिप्शन या उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, तो वो चीज हम यहाँ पे देंगे। और सेकेंड ऑर्डर के अंदर हम अपने क्विज के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम डिटेल देने वाले स्क्रीन के ऊपर हैं। अब ये हमारी जो क्विज है हम इस पे लिखते हैं फर्स्ट क्विज, क्विज ऑफ थर्ड सेशन, फर्स्ट क्विज ऑफ थर्ड सेशन ऑफ FDP। ये आज की हमी है। तो इसमें हम अपनी जो एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे कि क्या है वो हम इसमें कोई भी चीज दे देंगे। अगर कोई हमें उनको बोलना है कि आप इस चीज को रेफर करिए या ये स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है या कंटेंट पढ़ना है या कंटेंट कहीं से आपको ढूंढना है या कोई खास इंस्ट्रक्शन है, तो वहां आप इसमें इंस्ट्रक्शन दे देंगे। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो हमारी पहली स्लाइड प्रेजेंटेशन थी उसको एक बार दोबारा से देखें और फिर अपना इसमें फीडबैक दें। तो ये हमारी क्विज की डिटेल्स आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इशू आता है, पॉइंट आता है हमारा, वो हम क्वेश्चन डालेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन डालने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मेट आ गया है और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में। जब आप इस व्हाइट विंडो के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके बाद है टोटल पॉइंट्स। मीन्स अभी तक हमारे पास एक ही क्वेश्चन ऊपर है और बाय डिफॉल्ट इसने उसको एक पॉइंट दे दिया है। अब हम इसको ठीक करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे चॉइस के लिए, मल्टी चॉइस के लिए इसने एक क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट अपना डाल दिया है। जब हम इसको ट्रायंगल को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे चार पांच और ऑप्शंस मिलती है कि जिस टाइप के हम क्वेश्चंस अपने इस क्विज के अंदर डाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें रहेंगी, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और जिसका एक ही फिक्स जवाब हो सकता है, आंसर हो सकता है, और जब हम उस जवाब को टिक करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन के लिए ये पर्टिकुलर जवाब एक ही जवाब सही है, तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली क्विज की तरह से उसको इवेल्युएट करना शुरू कर देगा, उसको एसेस करके और अपनी ग्रेडिंग या मार्क्स को दे देगा। दूसरे में आप देखेंगे कि ऊपर से हम स्टार्ट करें ट्रू और फॉल्स, इसमें हमारा एक ही जवाब होगा सही है या गलत है। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट से हम पूछेंगे भी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो स्टूडेंट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो सही या गलत। अगर वो जवाब सही है तो उसके मार्क्स ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अवार्ड करेगा और जवाब नहीं है तो उसके जीरो मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, एक क्वेश्चन के हम चार पांच ऑप्शन देंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगी और स्टूडेंट किसी एक ऑप्शन को चूज करेगा, उसको वहां पे एक ही ऑप्शन को टिक करने के लिए ऑप्शन मिलेगी, तो उसको वो सही या गलत उसमें से चारों पांचों ऑप्शंस में से या हम जितनी भी ऑप्शंस देंगे उनमें से एक टिक करना है। ये ध्यान रहे कि मिनिमम ऑप्शंस हमें दो तो देना ही है, उसमें से दो में से जैसे यस या नो आंसर टाइप का हो गया वो मिनिमम दो क्वेश्चन दो ऑप्शंस पे चलेगा, उससे ज्यादा हम मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन उसको बोल देते हैं। तो इस केस में हम तीन चार पांच छह जितना भी हम ऑप्शंस देना चाहें वो सारा नंबर ऑफ ऑप्शंस हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा है कि शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में वही है जैसे पहले भी हम बात करते रहे हैं अलग अलग क्विज़ प्रोग्राम के अंदर। शॉर्ट आंसर का मतलब ये है कि भी आप एक लाइन में, दो लाइन में, तीन चार पांच लाइन के अंदर किसी एक क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं तो वो शॉर्ट आंसर में जवाब आपका आ जाएगा और ये जो क्वेश्चनियर है, ये जो क्विज है, वो उस शॉर्ट आंसर को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपने एक सेंटेंस दे दिया, एक इंग्लिश का कोई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर करने के लिए दे दिया और उसमें उसमें एक आपने खाली छोड़ दिया, तो उस खाली छोड़ने का जवाब आपको उसमें नीचे देना है। अगर वो स्टूडेंट सही फिल इन द ब्लैंक्स करता है तो उसको मार्क्स अवार्ड होगा और नहीं करता है तो नहीं होगा। उसके बाद मैचिंग है, दो कॉलम में आपने दोनों में अलग अलग आइटम्स दे दिए, एक में आपने वस्तुओं के नाम दे दिए, एक में उसका उस वस्तु को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका पर्पज क्या है, वो दोनों आपने दे दिया। तो एक जगह एक साइड में आपने लिखा कलम,
दूसरी साइड में आपने लिखा कि ये स्टेशनरी का हिस्सा है, और एक साइड में आपने लिखा पेंसिल, और आपने लिखा कि ये हथियार है, तो उसमें आपको मैचिंग करना है। जो मैचिंग पेयर सही होंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, जो पेयर सही नहीं होंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से ये मल्टीपल आंसर भी वही है। मल्टीपल आंसर में एक प्रॉब्लम है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे कि आपने एक क्वेश्चन बनाया जिसमें के मल्टीपल आंसर्स वो बच्चा चार तक टिक करे, चार आंसर्स में आपने उसमें सही दिए, टोटल आंसर आपने आठ दिए, उसमें आठ में से चार सही है। जब ये बच्चे के पास क्वेश्चन जाता है तो इस सिस्टम को सिर्फ चार ही एंट्री वैलिड करनी चाहिए, उसके बाद एंट्री बंद करना चाहिए कि कोई भी चार चुने। वो चार में से हो सकता है कि एक ठीक चुने, वो तीन गलत चुने, ये हो सकता है कि दो ठीक चले दो गलत चुने, या सारी ही ठीक चुने या सारी ही गलत चुने। पर ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं जनरली जो है, और ये भी उनमें से एक है, कि आठों को भी अगर बच्चा टिक करना चाहे तो सारी आठों की आठों बच्चा चिक कर सकता है। और उसमें हमारे लिए समस्या ये बनती है कि बच्चे को ये चीज आती है कि नहीं आती है, क्योंकि उसने रैंडम सारे चेक कर दिए। तो अब हमारी जो दुविधा होगी वो होगी हम इसको मार्क्स दें या नहीं दें। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करते हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम हो उसको एसेस करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन इसके अंदर हम डाल रहे हैं, और मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर वो ये डालते हैं कि हम इसमें लिखेंगे कि ये जो है व्हाट इज द नेम देखिए कैपिटल कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हमने किया, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें हम ऑप्शंस देंगे, एक ऑप्शन हमने दिल्ली दे दिया, दूसरा ऑप्शन हमने चंडीगढ़ दे दिया, तीसरा ऑप्शन हमने वाराणसी दे दिया, वाराणसी दे दिया, चौथा हमने लखनऊ दे दिया। चार ऑप्शन दे दिए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप और भी ऑप्शन दे सकते हैं। और जैसे कि मेरा क्रशर है जहाँ पे, आप देखेंगे कि उसमें रिस्पॉन्सिस का नंबर आप ऐड भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना वो दे सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें इसी फ्रेम के अंदर अपना जो सही जवाब है उसको भी टिक करना है। अब देखेंगे बाय डिफॉल्ट इसने पहले वाली जो ऑप्शन थी उसको टिक कर दिया, जबकि हमें पता है कि हमारी जो ऑप्शन लास्ट वाली है वो सही ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ। अब इसमें नीचे बॉटम में आप देखेंगे कि इसका एक पॉइंट इसने बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि हम इसको पांच मार्क्स दे दें, तो पांच मार्क्स मैंने इसको किया और इसका ये हमारा जो है एक क्वेश्चन इसके अंदर तैयार हो गया। अब आप इसमें नीचे और देखेंगे तो दो तरीके हैं, एक तो ये जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे डुप्लीकेट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट क्वेश्चन यूजली हम क्यों करते हैं कि जिसमें जैसे अब यहाँ पे हमने पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल, अगले क्वेश्चन में हम पूछें कि व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, अब क्योंकि लगभग पूरा क्वेश्चन तो वही सेम था और अब हम कैपिटल ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद सिर्फ हमें एक ऑप्शन को ठीक करना है जो कि दिल्ली है, उसको नई दिल्ली करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। तो ये हमारा क्वेश्चन डुप्लीकेट हमने किया और थोड़े से प्रयास से ही हमारा क्वेश्चन एक पूरा फ्रेम हो गया। तो ऐसे केसेस में हम डुप्लीकेट की जो फैसिलिटी है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम नया हमें क्वेश्चन बनाना है और हम ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ट्विक नहीं कर सकते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अभी नीचे जो ये है आप देख पाएंगे इसको आइकन जो मेरे पास आ गया है वो एड न्यू क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन को देख पा रहे हैं एड न्यू क्वेश्चन जी सर, देख पा रहे हैं। राइट, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद आप ये नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब बाय डिफॉल्ट जो है ये मल्टीपल चॉइस के ऊपर ही फिक्स्ड है, तो इस डिफॉल्ट को हम चेंज करेंगे और इस बार हम क्या डाल लेते हैं, इस बार हम मैचिंग का क्वेश्चन डाले हैं तो, या शॉर्ट आंसर का डाल देते हैं, मैचिंग का एक बार डाल देते हैं
ये हमारा मैचिंग का क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे डालेंगे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, अब इसके अंदर जो हम क्वेश्चन की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ये हमारे हैं। इसमें हम डालेंगे लाल बहादुर संस्कृत नेशनल यूनिवर्सिटी, ये मेरे ख्याल से नाम में अगर सही है तो ये ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक इसमें डालेंगे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसका डाल दिया। उसके बाद अगला जो हम डालेंगे विनायका मिशन यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हमने डाल दिया। अभी आप ये ध्यान देंगे कि इसमें जो मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ सारी सही ऑप्शन डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें ऑप्शन सही डालने हैं और ये ऑटोमेटिकली इसको शफल करके और वो वहां पे क्वेश्चन के आगे उस स्टूडेंट को एक जगह देगा कि कौन सा पॉइंट किसके साथ मैच करना है, आप वो वहां पे मैच करें। तो ये मैं इसका यूनिवर्सिटी मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये करता हूँ, तो ये हमने तीन क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं जो मैचिंग के लिए हमने डाला है। और ये ग्रेडिंग जो है इसमें हम ग्रेडिंग डालेंगे क्योंकि तीन हमारे क्वेश्चन हैं, अगर एक मैचिंग ठीक है तो हम उसका एक पॉइंट अगर देते हैं तो हम इस क्वेश्चन के तीन पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये मैंने इसमें एक तीन पॉइंट का डाल दिया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम डालते हैं, उसमें हम शॉर्ट आंसर को ट्राई करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये मैंने डाल दिया, अब इसमें हम शॉर्ट आंसर को डालेंगे। शॉर्ट आंसर जब हम डालते हैं यहाँ पे तो इसका हमें टेक्स्ट देना होगा। मैं लिखता हूं राइट ए ब्रीफ ऑन आर्य समाज, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके साथ अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को जो बोलना चाह रहे हैं तो वो कोई अटैच करना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना है स्टूडेंट को, या कोई लिंक पे अगर हम चाहते हैं, जी कुछ बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें हम लिंक का कोई अटैच करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं स्टूडेंट कोई वीडियो देखे या कोई वेबसाइट पे जाए वहां पे कुछ इंटरेक्ट करें, मटेरियल को सर्फ करें, तो वो चीजें हम यहाँ पे सारी डाल सकते हैं। अब नीचे जब ग्रेडिंग की बात आती है तो हम सोचते हैं कि इसके 5 मार्क्स हम असाइन कर देते हैं, तो ये इसके साथ हमारा जो है वो ये क्वेश्चन हम मानते हैं कि पूरा हो गया। अब इसको अगर प्रीव्यू हम करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मेरा क्रसर है असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे, वहां पे प्रीव्यू का एक आइकॉन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, और इसको मैं प्रीव्यू के लिए, और क्या आवाज बंद हो गई है क्या? हेलो हेलो, एक पार्टिसिपेंट कह रहे हैं शायद आवाज चली गई, चलिए कोई बात नहीं, उनके साथ नेटवर्क इशू हो गए। ओके, तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन का प्रीव्यू जो है स्टूडेंट को क्या दिखाई देगा, स्टूडेंट को ये चीज दिखाई देगी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 5 पॉइंट का है, और इसमें हमने पूछा कि कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की, उसमें ये चारों चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से स्टूडेंट को दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, जो हम बात कर रहे थे मैचिंग के लिए, मैचिंग में ये दिखाई देगा और स्टूडेंट इसमें से एक ऑप्शन को उठाएगा और उसके सामने रखेगा। अगर जैसे मैं इस कहीं भी जैसे ये आ गया आपका, उसने आपने देखा शफल कर दिया, इसे शफल कर दिया, विनायका मिशन के सामने मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखा था, तो इन दोनों को ये अपना लाल बहादुर शास्त्री को और विनायका मिशन को इसने शफल कर दिया, क्योंकि तीन है तो वे तीन में से किसी दो को इसने शफल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली रैंडमली इसने दो चीजें उठा ली। तो अब अगर मैं इसको विनायका मिशन के सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसको पकड़ के मैं यहाँ लेके आता हूँ, अभी देखिए मेरा मैचिंग हो गया, या इसको पकड़ के मैं वहां लेके जाता हूँ, ये मेरा मैचिंग हो गया। तो स्टूडेंट को ये इस तरीके की ऑप्शन रहेगी कि वो किसी भी तरीके से उठा के किसी चीज को कहीं पर डाल देगा, तो ये इस तरीके से स्टूडेंट को करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, तो ये हमारा ब्रीफ क्वेश्चन आ गया, राइट अ ब्रीफ ऑन आर्य समाज, ये हमारी वो हो गई है। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जो हमारा है वो एग्जिट प्रीव्यू है, एग्जिट प्रीव्यू को हम क्लोज करते हैं अभी फिलहाल। तो ये हम अपने कुछ क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से तैयार है, हम इसको असाइन कर सकते हैं इन तीन क्वेश्चंस के साथ। तो असाइन करने के लिए हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे टॉप पे असाइन करने के लिए जो ब्लू बेल्ट के अंदर एक आइकन हमें नजर आता है, जो इसको हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमें पास जो विंडो खुली है इसमें ये असाइन करने के लिए हमें स्पेस दे रहा है, और बाय डिफॉल्ट जिस क्लास के लिए हमने ये असाइनमेंट बनाया या ये क्विज तैयार किया उसका बाय डिफॉल्ट नाम आ गया, क्योंकि हम इसी के सेक्शन में, इसी क्लास के सेक्शन में अंदर गए थे और वहीं पे हमने इस क्वेश्चन को, इस क्विज को तैयार किया, तो इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ भी दे दिया। अभी फिर असाइनमेंट के तरीके से, जैसे हमने असाइनमेंट को असाइन किया था पूरे क्लास को या इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी हम कर सकते थे, वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी हम ये क्वेश्चन जो क्विज है ये हमारी असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से ये हुआ, और ये हमारा जो है वो असाइन हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। असाइन क्या हुआ, ये जो है ये इसको मैंने क्लोज किया, और कुछ चीजें इसको भरनी पड़ेगी, जैसे बाय डिफॉल्ट आया कि ये कब तक ड्यू है, ड्यू की डेट हम लिखेंगे इसमें, ड्यू की डेट वही हम 30 जून रख लेते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये टाइम जो है 30 जून का जो लास्ट मोमेंट है वहां तक पीएम पे इसने डाल दिया है, उसके बाद हम इसको लॉक करवाएंगे। और क्योंकि ये क्विज है, क्विज पे टाइम का भी बहुत मायने रखता है कि हर क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देना चाहते हैं। अब इसमें अगर हमारे तीन क्वेश्चन हैं तो तीन क्वेश्चन में आप कितना टाइम देना चाहेंगे, वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं, अगर टाइम लिमिट आपको लगता है कि नहीं टाइम लिमिट सेट नहीं करनी है, तो ये एक घंटे का टाइम जो है 60 मिनट का टाइम इसने दिया है, तो ये आप इसको उस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो अब नीचे आप देखेंगे कि रेंडमाइजेशन ऑफ क्वेश्चंस, जिस सीरियल में हमने क्वेश्चन बनाए हैं आप चाहते हैं कि सभी को उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस मिले तो आप इसको रेंडमाइज मत करिए, आप चाहते हैं कि शफल करके मिले, हर स्टूडेंट को अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइम पे मिले, तो आप उसको रेंडमाइज कर सकते हैं। और नीचे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये क्वेश्चनेयर है वो आपका क्विज है, तो इसने अपने आप बाय डिफॉल्ट ये चूज कर लिया है कि ऐड टू ग्रेड बुक, यानी प्रोग्रेस में जो हम ग्रेड बुक देखेंगे वो है। अब उसके बाद लास्ट आइकन जो है ये भी हमारी चॉइस है एज ए टीचर कि हम रिजल्ट जो है स्टूडेंट को उसी टाइम पे शो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अब इस केस में क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मतलब इन क्लास हम टेस्ट ले रहे हैं और बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने अगर ये क्वेश्चनेयर ये भरा है, ये क्विज मैंने अटेम्प्ट किया है, तो मेरे कितने क्वेश्चन सही कितने गलत, उसको क्यूरियोसिटी होती है। तो इस केस में हम इसको टिक करके रख सकते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट को या क्विज को सबमिट करेगा इमीडिएटली वो अपना रिजल्ट भी देख पाएगा कि उसका रिजल्ट क्या है। तो इसको अब हम असाइनमेंट करते हैं, इसको असाइन करते हैं, ये सारी चीजें हमने सेट कर दी हैं, शेड्यूल इसको हम नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि हम इमीडिएटली इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये असाइन किया मैंने, असाइन को क्लिक करते ही अब आप देखेंगे कि ये जो अपना क्विज है ये हमारी हमारे जो पोस्ट एरिया है उस पोस्ट एरिया में असाइन हो जाएगी। अब आप देखिए ऊपर ये क्या कर रहा है, सक्सेसफुली असाइन क्विज ये है, और ये असाइन हो गई है, और किसको असाइन हुई है ये इसने फाइनल स्टेटस बता दिया है, और इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 30 जून इसकी ड्यू डेट रहेगी। गॉट इट, ये इसने फाइनल हमसे कंफर्म कर दिया कि ये आपका काम हो गया है और इसका जो है ड्यू डेट वो इस तरीके से ये रहेगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेंडिंग पोस्ट है आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने ये एक पोस्ट हमें भेजा है, तो ये मेरे पास आ गया है एज ए टीचर। अब ये मुझे खोल के देखना है कि ये पोस्ट मुझे पोस्ट करना है कि नहीं करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आइकन आया है, इसके साथ साथ जहाँ पे मेरा फोटो है, मेरा जो प्रोफाइल का फोटो है, उसके साथ आप देख पाएंगे कि बेल आइकॉन एक है, और बेल आइकॉन पे जो भी चीजें आई हैं, जो भी कहीं से कोई मैसेज आया है, उस मैसेज का नंबर ऊपर इसके साथ है, और हम इसको अगर बेल आइकन करेंगे प्रेस तो इसको भी यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास, वो जिस जिसने जो जो भी मैसेज किए हैं वो सारे मैसेज यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो अब इसमें बाकी जो मैसेज थे वो ठीक थे, सब क्लास को होंगे, और एक यहाँ पे एक मिस्टर पवन कुमार हैं, इन्होंने एक जो मैसेज भेजा है उसको मुझे अप्रूव करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है। अब ये कोई मैसेज कह रहे हैं टीचर एट किट्टू रानी, ये इन्होंने अपना कुछ शायद नाम लिखा है कि गर्ल्स स्कूल में वो शायद हैं, तो
इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब इसको जरा एक बार मैं अपडेट कर लेता हूँ इसको। अच्छा नहीं, ये आउट हो गया, बाहर आ गया ये। इसको मैं, मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए इसको हम यहाँ से करते हैं पोस्ट को। ये पोस्ट पूरा आ गया, इसको मैंने अप्रूव किया और इसको डन किया। तो ये यहाँ पे वो पोस्ट जो है हमारा वो हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो स्टूडेंट हमें भेजेंगे, कोई भी डिस्कशन थ्रेड भेजेंगे, उस डिस्कशन थ्रेड को हम इसको अप्रूव कर सकते हैं और उस तरीके से हम असाइनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम शेड्यूल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को टाइम दे सकते हैं कि एक क्विज है तो उसको कितने टाइम में पूरा करना है। और इस तरीके से यही चीज़ें हम लाइब्रेरी में जो मटेरियल हमारे पास रखा होगा उससे भी हम असाइन कर सकते हैं। तो अभी एक बार हम क्लास का हमने काम किया कुछ, अब थोड़ा सा लाइब्रेरी हम देखते हैं। लाइब्रेरी पे जब ये जो ऊपर हमारा जो टूल बार है उसमें आप देखेंगे कि लाइब्रेरी का एक आइकॉन बना हुआ है, तो आप इस लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइब्रेरी आ गई है। तो लाइब्रेरी में जब आप देखेंगे तो ये दो इसमें फोल्डर्स बने हुए हैं, एक फोल्डर है माई असाइनमेंट्स, दूसरा फोल्डर है माई क्विज। ये इसके डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं। अगर आप चाहें तो कोई नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ साथ, नहीं तो आपकी जो पोस्ट होंगी, आपका जो क्रिएशन होगा, असाइनमेंट आपने क्रिएट किया या क्विज क्रिएट किया, वो दोनों आपकी इन रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में जा सकती है। अब सोच कीजिए कि हम एक नया फोल्डर कोई एक और हम बना लेंगे, तो अब आप देखिए इसके अंदर अब नई चीज आपने क्या बनानी है। वो आप कोई फोल्डर जो है वो अपलोड कर सकते, फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप नया एक फोल्डर बना सकते हैं, कोई लिंक डालना है आप वो लिंक भी अपने लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हैं, कोई क्विज बनाना है आपको वो भी आप यहाँ पे अपने लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करना चाह रहे हैं आप ना अपलोड करके, अब यहीं पे आप वर्ड को क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे वर्ड आपका खुल जाएगा। वर्ड खुलने के बाद आप उसमें अपना काम करेंगे और उसको सेव करके और लाइब्रेरी में अपना रखेंगे तो कि आप बाद में उसको यूज कर पाए। अभी आप देख रहे हैं कि ये एडमोडो के ही फ्रेम के अंदर ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ये हमारा खुल गया है और इसको मैं एक कुछ छोटा सा लिख के और इसको लाइब्रेरी में सेव करेंगे। इसको देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं इसको, ये मैंने थोड़ा सा लिखा और अब इसको जो है वो हम अपने लाइब्रेरी में इसको सेव करेंगे। ये ऑटोमेटिकली सेव है, सेव्ड है। इसका टाइटल आप देना चाहें तो टाइटल आप दे सकते हैं, ये यहाँ पे टाइटल दे दिया, क्योंकि जो ऑनलाइन वर्ड है वो ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है। अब आप देखेंगे कि ये सेव टू एडमोडो, ये ऑटोमेटिकली है, तो इसको जैसे ही हम देंगे तो टेस्ट फाइल जो है सेव टू एडमोडो, तो इस फाइल को ये जो है इस तरीके से ये अलग फ्रेम में खुला फाइल, तो इस फाइल को हम ऑफ कर देंगे और ये हमारा एक यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट फाइल जो मैंने अभी क्रिएट की थी वो आपकी आ गई है। इसी प्रकार से आप इसमें नया एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि इस टाइप का एडिशनल मटेरियल, जो कि आपका असाइनमेंट भी नहीं है और क्विज भी नहीं है, आपका एडिशनल लर्निंग मटेरियल है या रेफरेंस मटेरियल है, उसको रखने के लिए आप इसको जो है ना नया एक वो बना देंगे। फोल्डर का नाम हम बोलेंगे रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल मैंने इसका नाम रखा है और किस ग्रेड के लिए है, इसमें वही जो स्टार्टिंग में हमने डाले थे हायर एजुकेशन, उस तरीके से हम डालेंगे। और ये कहाँ पे जाएगा, किस चीज़ के लिए जाएगा, ये सारे उसमें चला जाएगा और इसमें कोई भी किसी भी लेवल का हम चीज़ें कुछ डालते रहेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर को मैंने किया, ये रेफरेंस मटेरियल का फोल्डर आपका आप देख पा रहे हैं ये आ गया है। अब अगर इस फाइल को पकड़ के, इस फाइल को अगर हम मूव करना चाहें, ये फाइल अभी क्लिक हो गई है तो इसलिए ये खुल गई है फाइल, तो इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे कि आइकन है, इसको आप चाह रहे हैं कि किसी फोल्डर में चला जाएगा,
तो फोल्डर में भेजने के लिए आप ऊपर से देखेंगे, एडिट कर सकते हैं आप इसको, इसको ऑफिस में दोबारा से खोल सकते हैं, नोट में खोल सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपने इसको ऑनलाइन क्रिएट किया है, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस केस में हम मूव करना चाह रहे हैं इसको, और मूव करने के लिए अब हम कहाँ मूव करेंगे। तीन फोल्डर हमारे पास हैं, और तीन में से हम ये रेफरेंस मटेरियल वाला जो फोल्डर है, इस मटेरियल में हम चाहते हैं कि ये चला जाए, क्योंकि ये हमारा रूट है और इस रूट पे हम ज्यादा फाइलें नहीं डालेंगे। फाइलें जो डालेंगे उसको कैटेगराइज करके अलग अलग फोल्डर्स में डालेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई नई ऐसी फाइल है जो इन तीनों फोल्डर्स में हम नहीं डाल सकते हैं, तो हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। वो बाकी सारी मिसलेनियस टाइप की जो फाइलें हैं हम उस फोल्डर में डालेंगे, ताकि ये जो इसका रूट है, लाइब्रेरी का रूट जो है, ये क्लटर्ड ना हो। तो उस तरीके से हम इसको लाइब्रेरी को मेंटेन करके रखेंगे। अब आप देखिए कि हमने एक मटेरियल क्रिएट किया। अब ये असाइनमेंट और क्विजेस हमने ऑलरेडी वहां से अपलोड किए थे, असाइन किए थे स्टूडेंट्स को, वो सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। पर कितना कि हम यहाँ लाइब्रेरी में अगर कोई चीज हमने रखी है तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने लाइब्रेरी में देखिए आप इसका ये जो था, ये लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ये हम असाइनमेंट असाइन कर चुके हैं इसको, तो इसलिए अब हम इसको दोबारा असाइन नहीं करेंगे। हम फिर वापस आ जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। अब क्विज का हम देखते हैं, तो आप देखें क्विज भी हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो इस लाइब्रेरी में पड़ी हुई चीज का ये फायदा है कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन को, या इसी सेशन को हम दोबारा सेम टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा है कि दोबारा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या नेक्स्ट सेशन में तो इसको हम काम में ले ही सकते हैं। तो वापस हम लाइब्रेरी रूट पे आते हैं। लाइब्रेरी रूट पे आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये रेफरेंस मटेरियल का जो हमारा फोल्डर था, इसमें हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। इस डॉक्यूमेंट को जो क्रिएट करने के बाद, जब हम इसको अगर वो करना चाहेंगे, असाइन करना चाहेंगे, तो इसको हम कैसे असाइन करेंगे वो हम देखते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी, इसको जो है, इसको हम वहां पे असाइन में जाएंगे, और असाइन में जाने के बाद अगर आपने देखा होगा वहां पे असाइन फ्रॉम लाइब्रेरी भी एक जगह पे था, तो इसको हम वहां से इसको करेंगे। ये मैं इसमें एक बार क्लास में आता हूँ। क्लास में आने के बाद जो हमारी ये क्लास थी, ये वाली थी, अब इसमें यहाँ पे जो है हम असाइन करेंगे इसको। ये हमारी क्लास आ गई, इसमें यहाँ से हम इसको असाइनमेंट करेंगे। लोडिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग असाइनमेंट है, ये एग्जिस्टिंग असाइनमेंट के अंदर से हम जो है यहाँ पे इसको ढूंढ पाएंगे। नहीं, ये यहाँ से नहीं हो रहा है। क्रिएट असाइनमेंट, लोड एन एग्जिस्टिंग असाइनमेंट, ये इसको यहीं से आना चाहिए, नहीं तो फिर हम लाइब्रेरी से कर सकते हैं इसको। नहीं, यहाँ से नहीं। तो ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट को ये अवेलेबल रहेंगी। चलो, ये यहाँ से हम नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं, असाइनमेंट जो करते हैं वो यहाँ लाइब्रेरी में आ जाती है इसके। तो इसके साथ अब ये जो मैसेजेस हैं, मैसेजेस जो हम इंटरेक्शन करते हैं, कोई स्टूडेंट हमें मैसेज भेजता है, वो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज जो है कन्वर्सेशन थ्रेड के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ये मेजर हुआ हमारा जो टीचर की तरफ से बच्चे को जो चीजें दी जाती हैं, ये वो सब चीजें हैं। अभी एक बार हम स्टूडेंट लेवल पे उसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। अब हम एक स्टूडेंट के लिए एक जरा एक और असाइन करते हैं होम में। हाँ, होम में जाएंगे, और होम में जाने के बाद माई क्लासेस, क्रिएट क्लासेस, ज्वाइन क्लास, अपडेट ऑल क्लासेस, ओके। तो इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे हम क्लास क्लास फोल्डर मेंबर्स, ये जो मेंबर्स है यहाँ पे एक स्टूडेंट को हम ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट ऐड करने के लिए ऐड अ मेंबर है, और इस ऐड इस स्टूडेंट के हिसाब तरीके से यहाँ पे जैसे हम उसको एक स्टूडेंट को हम बना के देते हैं। और ये हमारा जो है
चलिए हम स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं। ये हमारा वो क्लास का जो है हमने पहले नोट किया था SJIVFR, ये हमारा क्लास का कोड है और इस कोड को हम ध्यान में रखते हुए अपना एक करेंगे, स्टूडेंट को हम नया कोड डालेंगे। अब ये जो है नया स्क्रीन मेरे पास आ गया है और इसमें स्टूडेंट जो है उसको साइन अप करना है एज ए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का मैंने क्लिक किया, अब इसको मैं मेल को हटा देता हूँ। तो मेल को हटाने के बाद अब जैसे ये वहाँ पे जब हमने बल्क में स्टूडेंट को असाइन किया था क्लास को, उस टाइम पे ये जो सब चीज़ें पूछ रहे थे वो, तो इसमें मैं एक स्टूडेंट को असाइन करता हूँ। विकास कुमार, ये विकास कुमार है और क्लास कोड जो है हमारा वो रहेगा एस स्मॉल में है SJIVF, ये हमारा क्लास कोड है। उसके बाद यूजर नेम हम क्रिएट करते हैं विकास के लिए, मैं करता हूँ VIKAS, दैट मीन्स ये यूजर नेम टेकन है। तो ये आर मैं करता हूँ, ये यूजर नेम अवेलेबल है। तो स्टूडेंट का मैं डिटेल आईडी जरा नोट कर लेता हूँ, विकास KR, VIKASKR। तो ये हमारे स्टूडेंट की लॉगिन आईडी हमने क्रिएट की। ईमेल हमारा ऑप्शनल है, अब हम यहाँ पे एक वो पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड मैं डालता हूँ TEMP1234। ये पासवर्ड हालांकि वीक है लेकिन हम इस पासवर्ड को, तो अभी हमने स्टूडेंट की आईडी क्रिएट करने के लिए क्या किया, उसका नाम लिखा, उसका लास्ट नेम लिखा, हमारी जो क्लास का कोड था वो टीचर ने जो दिया स्टूडेंट को ये वो लिखा। उसके बाद स्टूडेंट ने अपनी एक यूनिक आईडी क्रिएट की, क्योंकि जो पहले हमने विकास कुमार डाला वो विकास कुमार पहले से किसी ने उस आईडी को लिया हुआ है, और यूजर आईडी हमेशा यूनिक होती है, यूनिक होना चाहिए तभी वो क्लास को एक्सेस कर पाएगा इन अ यूनिक वे। तो वो एक यूनिक आईडी इसने चेक करके बताया कि जो जो आईडी पहले अवेलेबल नहीं थी उसने बताया कि ये अवेलेबल नहीं है, तो हमने विकास के आर करके एक यूनिक आईडी वो क्रिएट की। उसके बाद ईमेल हम डालना चाहें तो ईमेल हम डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो उसको ऑप्शनल माना गया है यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड के बाद हम इसको अकाउंट को क्रिएट करेंगे। और ये अकाउंट जो क्रिएट हुआ उसके बाद आप देखिए ये यहाँ पे अब ये आपका पेरेंट्स की डिटेल जानना चाहता है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर जानना चाहता है या पेरेंट्स की ईमेल डालना चाहता है, तो इसको हम स्किप कर पाएंगे। ये नीचे आप देख पा रहे हैं इसको स्किप कर देंगे हम, इसको हमने स्किप किया। अब ये जो है विकास कुमार का होम पेज है, अब विकास कुमार का होम पेज आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बैकअप इसको जो है क्लास गए, ये क्लास है हमारी और इस क्लास के अंदर ये आप देखेंगे इधर कि जो असाइनमेंट टीचर ने दी थी वो असाइनमेंट यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग जब हमने की थी तो वो सारी चीजें अभी स्टूडेंट को एक्सेसिबल हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट ने एक कॉमन पोस्ट हमारे पास डाली है, वो इसमें जो इसमें कमेंट दिए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद ये हमने एक असाइनमेंट डाली थी जिसमें के अटैचमेंट दिया था, वो अटैचमेंट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमने स्टूडेंट से वो वेलनेस चेक उसका किया था और वेलनेस चेक का जो है अगर हम इसको भेजना चाहेंगे आई एम ग्रेट, अभी जैसे मैंने आई एम ग्रेट को क्लिक किया, अब ये वोट करना है क्योंकि ये तो पोल था उस टाइम पे, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने क्रिएट किया था पोल, इसको वोट करेंगे हम तो ये हमारा रिस्पांस वहां पे आ गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ एक स्टूडेंट्स ने पहले और बाकी ने भी किसी ने कहा आम ओके, तो उसका रिस्पांस भी ये आ गया है। तो ये स्टूडेंट क्या है कि बाकी दूसरों का रिस्पांस क्या है, अब उसको वर्चुअली ये लग रहा है कि मैं एक क्लास में बैठा हूँ और मेरे साथ में एक बच्चा बोल रहा है मैं बहुत बढ़िया आई एम ग्रेट, दूसरा बोल रहा है कि आई एम ओके मैं ठीक हूँ। तो अब आप इसमें देखेंगे आई एम ग्रेट जो है वो दो लोगों ने कहा शायद और आई एम ओके एक ने कहा, तो टोटल तीन वोट अभी हमारे पास हैं। अगर आप ये देखेंगे नीचे तो ये तीन वोट हमारे पास आ गए हैं।
तो इस तरीके से टीचर वो चेक कर सकता है कि क्लास का मूड क्या है, क्लास की जो पढ़ने की इच्छा है कि अभी नहीं है आज। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमने किसी एक कल जो क्लास लेने वाले थे, हम योगा में फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले थे, उसके लिए हमने एक वोटिंग करवाई थी, तो उसमें हम कल स्टार्ट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। तो ये स्टूडेंट चाहता है कि ठीक है कल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कल से योगा की फर्स्ट क्लास अटेंड कर सकता है, तो इसमें यस करके इसने वोट किया, तो ये इसका स्टूडेंट का आ गया। और इसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं वो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हमने एक क्विज डाली थी, अब अपकमिंग में भी आप देख रहे हैं। अपकमिंग का मतलब क्या है कि इसकी अभी डेट्स बाकी है, इसलिए अपकमिंग में ये शो कर रहा है, क्योंकि इसकी अभी जो डेडलाइन है, हमने दोनों असाइनमेंट्स की डेडलाइन 30 जून रखी थी, तो अभी डेडलाइन आनी है, तो इसलिए ये इसका शेड्यूलर जो है, प्लानर, उसमें ये अपकमिंग में आ रहा है। जिस दिन ये कंप्लीट होगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो अब ये असाइनमेंट हमारे जो बॉक्स है, इसमें पोस्ट बॉक्स जो है, इसमें यहाँ पे आ गया है, और इस असाइनमेंट में यहाँ पे टेक क्विज के लिए हमें यहाँ पे एक आइकन मिल रहा है। इसको जब मैं टेक क्विज करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसमें पहुंच गया हूँ, और इस क्विज के अंदर आप देखेंगे कि ये जो है इंस्ट्रक्शंस हमारी हैं, और प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक आफ्टर गोइंग थ्रू द स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप जो है उसको जो मटेरियल आपको दिया गया है उसको गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद फिर आप इस क्विज को अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश हमने लखनऊ कर दिया, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने कहा कि राइट अ ब्रीफ ऑन आर्य समाज, तो ये हमने राइट अ ब्रीफ किया। अब आप देखेंगे ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है हमारा, तो इसको ये सिस्टम अपने आप एसेस नहीं कर पाएगा, इसको हमें मैनुअली एसेस करना है, वो भी हम देखेंगे कि मैनुअली किस तरीके से हम एसेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ, और इसमें आप देखेंगे कि एक प्रीवियस का आइकन भी है, यानी अगर स्टूडेंट सोचता है कि मेरा जो पहले वाला क्वेश्चन था कहीं मैंने सही किया कि नहीं, गलत किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ से चेक कर सकता है, और नहीं तो ये जो ब्रीफ आंसर था इसका ये सबमिट कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया कम्प्लीट। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो मैचिंग का था, वो हमने उसमें उस टाइम पे भी हमने देखा था कि हमें जो करना था उस तरीके से मैचिंग इसका करना है। ये मैचिंग यहाँ पे ऐसे किया, इसको सेंट्रल को ऊपर किया और नेशनल को नीचे किया, ये हमारा आंसर तैयार है। और अब इसके बाद ये हम सबमिट क्विज करेंगे। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो एक डार्क ब्लू के अंदर व्हाइट में सबमिट क्विज लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कंफर्म जो है वो कर रहा है कि अभी हमें कंफर्म करना है या वापस आना है। ये यहाँ पे एक ऑप्शन स्टूडेंट को देता है कि लास्ट में जाते जाते भी अगर उसको लगता है कि कोई चीज मैंने गलत कर दी है, कोई छोड़ दी है कोई चीज, तो उसको दोबारा से वो रिव्यू कर सकता है। तो यहाँ पे इस केस में हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद अब फिर यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, अगर रिव्यू करना है तो ठीक है, नहीं तो ये आपका सबमिशन हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब इसके लिए फिर हम जो है वापस अपने होम पे एक बार आ जाते हैं, और होम पे आने के बाद ये यहाँ पे देखेंगे कि अपकमिंग के अंदर हमारी, क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है ये वाली, तो अभी एक जो असाइनमेंट बाकी है वो जिसकी डेट 30/6 है, 30 जून है, वो हमें अपकमिंग में नजर आ रही है। और अब यहाँ पे जो है, अब आप देखेंगे कि स्टूडेंट अपने वाले फोल्डर पे, अपने वाले जो पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट का उसमें है। अब यहाँ पे देखिए व्यू क्विज रिजल्ट, अब क्विज रिजल्ट में एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें से दो क्वेश्चन तो ये अपने आप एसेस कर लेगा जो कि मैचिंग वाले थे और दूसरे वाले थे। जब एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाला है उसको हमें टीचर की हेल्प से रिजोल्व करना है, तो उस क्वेश्चन के उसको पेंडिंग छोड़ के, और वो जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं, 3 क्वेश्चंस को वो स्टूडेंट रिव्यू कर सकता है कि आपका जो है वो ये आपके जवाब थे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे जवाब सही हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जवाब भी सही है, और जो शॉर्ट आंसर जवाब था इसके उसने कोई उसमें ग्रेडिंग का नहीं उसने दिया है, तो इसको हमने रिव्यू किया अपने रिजल्ट को, और हम वापस अपनी क्लास के उसमें फिर आ गए हैं। अब हमें जो दूसरी क्वेश्चनर है उसको भरना है, और दूसरी क्वेश्चनर को जो भरना है, और वो व्यू पहले हम नीचे जाएंगे, ये हमने ओपन, ये वाला हमने किया नहीं था अभी, ये पेंडिंग था, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपनने के बाद ये इसको वर्क स्पेस इसने हमें दे दिया है, योर वर्क इज एम्प्टी। अब यहाँ पे आप कोई चीज लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको वो कर सकते हैं, क्रिएट करना है इसी में क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्रिएट करना चाहेंगे, वर्ड से क्रिएट करना चाहेंगे, या आपने ऑफलाइन कोई एक फाइल बनाई है, या कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं।
तो इस केस में हम वर्ड पे ही कुछ थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको हम अपलोड करेंगे। ये एग्रीमेंट का एक स्टैंडर्ड इसका वो है कि उसके लिए इसको यस करना होता है। तो ये हमारा वर्ड खुल गया है, इसके अंदर भी अब बड़ा असाइनमेंट हम करते हैं और आप देखेंगे कि ये हमारा जो है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। लेकिन सेव होने के बाद जब आप ऊपर देखेंगे तो ये इसको टर्न इन करना है। अब आप ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब हम लाइब्रेरी में वर्ड पे काम कर रहे थे तो वहां पे हमारा डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव होना था, जो कि ऑटोमेटिकली सेव हो गया था और वो हमें बाद में दिखाई दे भी गया था। लेकिन यहाँ पे जब स्टूडेंट के सबमिशन की बात है तो स्टूडेंट ने अपना काम कर लिया है, अब उसको सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट के लिए वो टर्न इन बोलते हैं उसको। तो ये स्टूडेंट ने इसको टर्न इन किया कि इसने अपना काम किया है और उसको इसने सबमिट कर दिया है। तो आप देखिए ये स्टूडेंट का काम सबमिट हो गया है और इसको ये फाइनली श्योर पूछ रहा है कि आप इसको टर्न इन करना है, आप सबमिट करना चाह रहे हैं, तो इसने फाइनल वो सबमिट कर दिया है। तो अब आप देखिए इसका इसके इसमें जो काम था वो हो गया है और उसने स्टूडेंट ने ये फाइल बना के इसको सबमिट कर दिया है। तो इसमें यहाँ पे ये चीज है। अब हम एक बार जल्दी से अपनी जो ग्रेडिंग वाली फाइल है, ग्रेडिंग फाइल में हम देख लेते हैं। तो अभी मैं एक बार वापस जाता हूँ। ये मेरा होम पेज है। होम पेज के अंदर जब हम देख रहे हैं तो ये जो है व्हाट्स न्यू के अंदर ये जो हमारा क्या था, ये वाला हमारा क्लास का आइकॉन था। ये हमारा जो है ये क्लास का आइकॉन था। इस क्लास के आइकॉन के अंदर जो था क्लास मैनेजमेंट था, उसके बाद व्हाट्स ड्यू था। क्लास मैनेजमेंट हमने देख लिया, व्हाट्स ड्यू भी हमने देख लिया, स्टूडेंट लेवल पे भी हमने देख लिया अपना, और जो जो चीजें इसमें हमारे प्लानर में थी वो सब यहाँ पे इसके अंदर व्हाट्स ड्यू के अंदर आ जाएंगे कि कब क्या चीज ड्यू है। अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, हम फटाफट प्रोग्रेस पे जाते हैं। प्रोग्रेस में आप देखेंगे कि ये हमारा जो है सेशन है और इसके अंदर ये जो हमारा क्लास थी वो ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें एक जो चीज ध्यान देने वाली ये है कि जितनी भी क्लासेज आपकी क्रिएटेड हैं वो सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लास जो देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड है या नहीं है। क्योंकि अगर वो हाईलाइटेड नहीं है तो आपको दूसरा चूज करना है। जैसे ये आपका चूज किया, अब ये नीचे वाला है, ये हमने ये चूज किया। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल हमने एक स्टूडेंट का जो सबमिट किया था, ये पुराने स्टूडेंट हैं या अभी जो हमारे वो हैं पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने इसमें ये टर्न इन किया है। आई थिंक ये इन दोनों स्टूडेंट नए हैं तो ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इनने सबने इसमें ये डाला है, तो बहुत अच्छी बात है। ये चार पार्टिसिपेंट ने हमारे इसमें डाला है। तो ये अब जो मैंने ये किया है ये विकास का, इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ जो हमारी टर्न इन है असाइनमेंट वो भी है और उसको हमें मैनुअली असेस करना पड़ेगा। मैनुअली असेस करने के लिए एक मिनट, इसमें एक्टिविटी प्रोग्रेस ये है फैकल्टी डेवलपमेंट के अंदर। अब यहाँ पे हम आए तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, ग्रेडिंग पीरियड क्वेश्चन वेटिंग जब खुलेगा मेरे। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिव्यू क्विज, ये रिव्यू क्विज देखा हमने इसमें, ये देखिए इसमें इसने अच्छा किसी स्टूडेंट ने नहीं, पुराने वाला है ये जो है, अच्छा नहीं ये किसी स्टूडेंट ने ये किया है, ये हमने किया अपग्रेड। ओके इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके मार्क्स ऑलरेडी लगे हुए हैं तो इसमें 19 पॉइंट्स जो तीन क्वेश्चंस के हैं, तो हम वापस आते हैं इसको। अभी आप ये देखेंगे इसके अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर वन है इसका अनग्रेडेड है, अनग्रेडेड क्वेश्चन है, मार्क्स का है, क्वेश्चन ग्रेडिंग आप इसको कर सकते हैं। क्लोज, तो मैं वापस क्लास में प्रोग्रेस में आता हूँ और इसका जो है क्या है, मुझे लग रहा है अच्छा स्टूडेंट प्रोफाइल में है, हम चले गए।
हमारे वाला प्रोफाइल नहीं था, ये स्टूडेंट वाला था। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे जो स्टूडेंट ने टर्न इन किया है, जो स्टूडेंट ने टर्न इन किया उस टर्न इन वाले क्वेश्चन को हम इसको देख लेंगे। इसको देखने के बाद इसको हम विकास भी गए, लाइक शेयरिंग प्रोग्रेस टीचर शेड्यूल एक्टिविटी रिप्लाइज वेटिंग। अच्छा वो वेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्रेडिट पीरियड टोटल 14-19 क्या वेटिंग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट ने क्या किया है यहाँ पे सब कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे, जो टर्न इंड है वो सारी इसी तरीके से हमारी वो असाइनमेंट इंडिविजुअली जाके हम स्टूडेंट को देखेंगे। उसके साथ में यहाँ पे एक बैज का है, इसमें हम स्टूडेंट्स को बैज अवार्ड कर सकते हैं। अब जो बैज है अब उसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैजेस कौन कौन से हम दे सकते हैं। ये बैजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसके साथ हम अपने अगर नए बैजेस क्रिएट करना चाहें तो हमारे नए बैज हम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इमेज को अपलोड कर सकते हैं। और इमेज को अपलोड करने के लिए ये जो है इसमें ये मैंने मॉड्यूल वन का आपको ये एक मिल गया और इसका ये है फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन, ये मैंने इसका एक क्रिएट कर दिया है टूल भी। तो ये इसको हम एक बैज ऐड कर देंगे। तो ये जो नए बैज है वो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अब ये जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट को हम अगर बैज ऐड करना चाहेंगे तो इसको जैसे ही हम अवार्ड करेंगे ऐड बैज टू दिस ग्रुप, तो ये जो है इस ग्रुप में है। अब किसको आपको ये देना है ये बैज उसको वहां पे इस तरीके से आप ऐड। अब जो ग्रेड शीट है, अब ग्रेड शीट में आपने ये जैसे जो असाइन किया है इसका जो पूरा डेटा है वो आप डेटा यहां से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फैकल्टी का आपका ये जो डेटा है वो सारा यहाँ पे इस तरीके से ये एक्सेल में इस तरीके से शीट खुल जाएगी। ये शीट मेरी खुल गई है, आप ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है, तो ये इसने शीट खोल दिया। अब इस केस में कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो क्विजेस थी और ये सब जो असाइनमेंट्स थे ये आपने इवेल्युएट किए यहाँ पे, अब कुछ एक आपने ऑफलाइन भी स्टूडेंट को क्लासरूम में असाइनमेंट दिए उनके मार्क्स आ गए हैं, तो उन मार्क्स को भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे पूरा एक ग्रेड शीट बनाने के लिए उसको डालना चाहेंगे तो यहाँ पे ऐड ग्रेड एक हम कर देंगे। ऐड ग्रेड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जो क्लासरूम में असाइनमेंट उनको दिया तो वो असाइनमेंट के आपको मार्क्स डालने हैं, तो इसमें एक कॉलम ये ऐड कर देगा। इसमें हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म का हमने एक क्रिएट किया और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज जो है ये इसका आ गया। अब कितने मार्क्स के स्टूडेंट के थे वो उसमें से हम यहाँ पे मैन्युअली इसको डाल देंगे। ये फर्स्ट टर्म सपोज कीजिए कि 20 मार्क्स की थी, तो आप इस तरीके से ये आप किसके कितने हैं वो सारे आप इसको यहाँ इस तरीके से डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा जो शीट है ये हमारी एक टर्म की है, सपोज कीजिए कि पहले 6 महीने की एक टर्म है, तो जब आप ग्रेडिंग पीरियड चेंज करेंगे तो नेक्स्ट पीरियड आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे हम तो एक नया ग्रेडिंग पीरियड आ गया, उस नए ग्रेडिंग पीरियड में जब आप नई क्वेश्चनेयर देंगे नए असाइनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली उनके ग्रेड यहाँ पे आ जाएंगे। और उस सेशन का भी अगर कोई ने ऑफलाइन अगर ऐड करना है तो वो यहाँ से आप उसको ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे ये सेकंड टर्म के जो हम है वो मैन्युअली हम इसमें से मार्क सारे इसको एंट्री कर देंगे, तो इस तरीके से सारे ये चीजें एंट्री करेंगे। ये हमारा लर्निंग का था, जहां तक के पूरा स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन की बात है
अब हम जो मेन है इसमें एक डिस्कवर का जो जब हम इसको आइकन को क्लिक करते हैं तो ये जो रिसोर्सेज अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं इधर उधर, कहीं ऑडियो है कहीं वीडियो है, वो चीजें हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आईसीटी टूल्स, आईसीटी टूल्स के साथ आप इसको सर्च करेंगे तो जो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज आपके यहाँ पे आ गए। अब इसमें से आप देखेंगे कि ये ऑल रिजल्ट्स जो सारे कोई सी भी फॉर्मेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। आप पोस्ट आप देखना चाहते हैं तो ये आगे आप आइकॉन एक देख पा रहे होंगे पोस्ट का है इसमें, उसके आगे पीपल है, उसके आगे रिसोर्सेज है और पेजेस है, ये सब कैटेगरीज हैं और ये इन सारी कैटेगरीज को मिला के जो टोटल रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आ गया है। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही ये मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद महोदय, थैंक यू, महान संतोष अस्माकं सर्वेषाम् अपि मार्गदर्शनाय महोदयस्य। हम लोग सभी कृतकृत्य हैं महोदय के मार्गदर्शन से और बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।